कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए शासन ने 35 घंटे की बंदी की घोषणा की है, जिसके संबंध में जिलाधिकारी केविजयन पांडेय ने बताया कि बंदी के दौरान 30 गाड़ियों से पूरे क्षेत्र में सैनिटाइजेशन कराया जाएगा, जिससे कोरोना के बढ़ते संक्रमण को रोका जा सके। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना का संक्रमण बड़ी ही तेजी से फैल गया है, जिसको रोकने के लिए साफ सफाई के साथ सैनिटाइजेशन और मास्क लगाने की जरूरत है। जिलाधिकारी केविजयन पांडेय ने कहा कि बंदी के दौरान आवश्यक सेवाओं पर कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिलाधिकारी केविजयन पांडेय ने कहा, सर जो कोरोना का बढ़ रहा संक्रमण उसके लिए कुछ आदेश जारी है शासन से? देखिए, शासन ने एक निर्णय लिया है, खासतौर पे ये संडे रविवार के दिन जो पूरे बाजार बंद रहेगा। रविवार के दिन मतलब संडे या सैटरडे, यानी शनिवार को शाम को 8 बजे से, रात को 8 बजे से लेके का सवेरे 7 बजे तक का बंदी रहेगी। तकरीबन वो 35 से 36 घंटे का जो बंदी है, इसी का अंदर हम लोग पूरा प्लानिंग किए हैं। आज सुबह मीटिंग भी लिए थे हमने, नगर निगम, नगर निकाय और जो DPRO कार्यालय में जो सफाई कर्मचारी, सब लोग स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग बनाए, खासतौर पर जो कहाँ कहाँ कोरोना का संक्रमण ज़्यादा है, कंटेनमेंट जोन कहते हैं उसी इलाका का, उसमें हम लोग ज़्यादा दबाव रहेगा, ज़्यादा दूर रहेगा। और इस समय में तो तकरीबन 30 गाड़ी हम लोग बारी 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 व्हीकल में हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन भरा करके हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ताकि यहाँ शहर में तो दो दो वार्ड के लिए एक गाड़ी हम लोग व्यवस्था कर रखा है। उसी के हिसाब से 24 घंटे हमारा लगातार सफाई चलेगी, और रात्रि सफाई के लिए भी हम लोग प्लानिंग किए हैं, ताकि बाज़ार बंद हो जाएगा तो हम लोग का तो सफाई करना सहूलियत रहेगा। उस समय में जो कहाँ कहाँ मान लीजिए कोई जो आदमी मास्क यूज़ करता है, ग्लव्स यूज़ करता है, जो मेडिकल वेस्ट होता है, उसी का भी सिस्टम बनाया हम लोग ने, और ताकि इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है जो कोविड संक्रमण का जो नियंत्रण करने में जो काफ़ी सहयोग मिलता है हम लोग का, उसी का स्ट्रैटेजी बनाया है। तो खासतौर पर अभी कोरोना का केस तो बढ़ती जा रही है, आप तो देख ही रहे हैं। मैं आपको मीडिया के जरिए से मैं अपील करना चाहता हूँ, इस समय में थोड़ा कठिन स्थिति में है हम, तब तक जनता साथ नहीं देगी तो प्रशासन और सभी लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। हम सब मिलकर लड़ना होगा, एक जंग है, एक लड़ाई है, एक युद्ध है, जिस पर मैं चाहता हूँ आपको भी साथ हमें चाहिए। कम से कम जो मास्क पहन के बाहर निकालें, इसलिए तो भारी जुर्माना लगाने के लिए योजना बन रही है। और मास्क केवल आपको जान नहीं बचेगी, वो सभी की जान बचेगी, आपको परिवार का रिश्तेदार जो भी जाते हैं आते हैं वो सभी की जान बच जाती है। दो लोग यदि मास्क पहने हुए, इवन पॉजिटिव पेशेंट भी दोनों आमने सामने बात करेंगे, आपस में नहीं फैलती है, तो मास्क का बहुत प्रभाव होता है ये जो इसी बीमारी नियंत्रण पे। दूसरा सोशल डिस्टेंसिंग है, बार बार हम लोग कहते हैं कहीं भी जाते हैं तो कम से कम 2 गज का दूरी बना के रखिए, कितने भी नज़दीक रिश्तेदार है, फ्रेंड है, जो भी रिलेशन है, थोड़ा दूरी बनाइए इस समय में। आपको नहीं पता है जाने अनजाने में कोरोना मरीज़ के संक्रमण में आ जाते हैं, आप लोग संपर्क में आ जाते हैं, फिर आपको मुसीबत हो जाता है। तो तीसरा है जो सफाई प्रोटोकॉल, यानी हाथ बार बार धोना है, बाहर से जो यदि घर आते हैं तो फिर ज़रूर जूता बाहर ही निकाल दीजिए, तो एक बार नहा लीजिए जो बाहर से कब भी आते हैं, और कम से कम बाहर जाइए आइए, हाथ बार बार धो लीजिए, हर आधे घंटे एक घंटे में कब भी फुर्सत मिलता है हाथ धोते रहिए, और मास्क पहनते रहिए, और आँख नाक और मुंह इस पे मत छूइए तब तक घर से बाहर निकलें। बाहर भी ज़्यादा पदार्थ मत खाइए, ताकि जो खुले में जो मिलता है पता नहीं क्या चीज़ है, जो सफाई प्रोटोकॉल है इस पर ध्यान रखें। ये 3 मूल मंत्र हमेशा याद रखें, ताकि हमें नहीं पता कोरोना कब तक हम लोग के साथ रहेगा, पर तब ये 3 मूल मंत्र जो भी पालन करता है उन्हीं का अब तक नहीं देखा है कोरोना होते हुए, यही एक बचाव है। बचाव के अलावा हम लोग के पास अभी कोई उपाय नहीं है। मैं आपसे चाहता हूँ गोरखपुर प्रशासन को साथ दीजिए, कि कोरोना का नियंत्रण कराने में हमें मदद करिए। सर जो बंदी है उसे परिवार और आवश्यक वस्तुओं की, देखिए एसेंशियल सेवाएँ पूरा जारी रहेगी, वो दूध का दुकान हो और जो सब्जी का दुकान हो और गाड़ी है, ये जो आपका लोडर गाड़ी है वो लोड वाले गाड़ी है, और इंडस्ट्री का जो आने वाले माल है उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगी। अस्पताल सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं, मेडिकल दुकानें सब खुला रहेगा, एसेंशियल सेवाएं सब जनता को अवेलेबल रहेगा। किसी का भी कोई परेशानी हो तो फिर हमें कंट्रोल रूम में और हमें कहीं से भी संपर्क कर सकते हैं, हम उसको सहयोग भी करेंगे।